दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बहुत छोटी सी मामूली सी बात बताने जा रही हूँ, जिसको हम लोग अनदेखा और लापरवाही कर देते हैं। देखिए, जैसे ये आलू है, ये अभी अभी आए हैं, मैंने मंगवाए हैं ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर से। तो कुछ ग्रहणियाँ क्या करती है कि आलू को बिना धोए ही यूज़ कर लेती है, कि इसका छिलका उतारेंगी और यूज़ कर लेंगी। लेकिन कभी भी ऐसी गलती नहीं करनी है, इसको काटिए, इसको अच्छे से धोना है और तभी इसको यूज़ में लेके आना, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है। हम कोई भी चीज़ लें, खाली में आलू की बात नहीं करी। जैसे मैंने अपने घर के लिए, बच्चों के लिए खीरे मंगाए हैं, जिसका हम सैलेड तैयार कर सकते हैं, रायता तैयार कर सकते हैं, बेशक ये पैक आई है चीज़, लेकिन इसको बिना धोए यूज़ नहीं करना है। तो मैंने देखा है, जैसे कि अब ये हमारे पास, मैंने और भी सामान मंगवाया है, अदरक, सर्दियों में अदरक का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। बच्चों की खांसी की दवाई बनानी हो, चाय डालना हो, तो बिना अदरक के चाय भी अधूरी है। तो घर में कोई भी चीज़ क्यों ना आए, अदरक से लेकर प्याज, टमाटर, कितनी बड़ी सब्जी क्यों ना आए, लेकिन बिना धोए किसी भी सब्जी को यूज़ नहीं करना है। कोविड जैसी बीमारी से अगर हमें मुक्ति पानी है और अपने बच्चों को हमेशा स्वस्थ रखना है, तो अपना एक नियम बना लीजिए कि बिना धोए हम किसी भी चीज़ को अपने घर में फ्रिज में जगह नहीं देंगे। चलिए इसको धोते हैं दोस्तों। दोस्तों, एक बाल्टी है, अब मैं इसमें जो टैप वाटर आता है, MCD का पानी, वही डालूंगी और मैं उसमें ये सारे आलू डाल दूंगी। देखिए दोस्तों, डालते ही पानी कितना गंदा हो चुका है, आप मानेंगे। अभी आलू हैं, मंडी से आते हैं, बोरियों में भर भर के आते हैं, कितने लोगों के हाथ लगते हैं इसके ऊपर, देखिए। और फिर ये ज़मीन के अंदर की फसल है, ये देखिए दोस्तों, देखिए। तो हमें इसको अच्छे से 5-6 बार डिप करना है। देखिए दोस्तों, सिर्फ अभी मैंने इनको एक ही बार धोया है और 10-12 बार डिप करा है पानी में। देखिए इनका रंग कितना साफ़ हो चुका है, और जरा आप पानी देखेंगे कितना काला हो चुका है, कितना काला। और अभी मैं इसको दोबारा गिराकर अच्छे से फिर धोऊंगी। देखिए, मैं ये सारा पानी गिराने जा रही हूँ। अब देखिए दोस्तों, अब मैं दोबारा पानी भरूंगी। अब आप देखना, पानी पहले से कम काला होगा और आलू मेरे बिल्कुल साफ हो जाएंगे, जिनको हम अपने किचन में स्टोर भी कर सकते हैं और डायरेक्ट बच्चों के लिए फ्राइज बनाने हो, डायरेक्ट यूज़ भी कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, अभी मेरे आलू बिल्कुल साफ और सुथरे हो चुके हैं। देखिए दोस्तों, अब आपको कभी भी कोई भी चीज़ यूज़ करनी हो, अपने परिवार की सेहत से बढ़कर किसी गृहिणी के लिए कुछ भी नहीं होता। अभी आलू मेरे किचन के लिए बिल्कुल फिट है, फाइन है। मैं इनका फ्रेंच फ्राइज बनाऊँ, पकौड़े बनाऊँ, अब मैं इनको डायरेक्ट यूज़ कर सकती हूँ और अपने किचन में स्टोर भी कर सकती हूँ। दोस्तों, बात बहुत छोटी सी है, आशा करती हूँ आपको ये बात भी समझ आई होगी और आप मेरी वीडियो को लाइक भी करेंगे, प्यार भी देंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।